हिंदी लेक्चर स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पार्ट वन। बॉयलर में बनी हुई स्टीम को बॉयलर से टरबाइन की तरफ या प्रोसेस प्लांट की तरफ ट्रांसपोर्ट करना होता है। यह पाइपों द्वारा किया जाता है। ये पाइप जो है इनमें वाल्व लगे होते हैं, फिटिंग्स होती हैं, कनेक्शंस होते हैं। इन सब की रेटिंग जो है वो स्टीम के प्रेशर और टेम्परेचर के हिसाब से होनी चाहिए, ताकि जो स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसकी सेफ्टी बनी रहे। इस चित्र में हमने शुगर प्लांट में इस्तेमाल होने वाले बैक प्रेशर टरबाइन को दिखाया है। शुगर प्लांट में प्रोसेस में हीटिंग और इवोपरेशन के लिए स्टीम चाहिए होती है, लेकिन यह स्टीम लो प्रेशर पर चाहिए होती है। तो यहाँ पे आप देखिए एक बॉयलर है, बॉयलर से हाई प्रेशर स्टीम निकलती है, वो एक टरबाइन को सप्लाई होती है। टरबाइन जो है एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर को रोटेट करता है और टरबाइन से निकली हुई एग्जास्ट स्टीम जो है प्रोसेस स्टीम की तरह इस्तेमाल की जा रही है। और प्रोसेस में स्टीम कम पड़े तो उसके लिए एक प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व भी लगाया हुआ है जो बॉयलर के प्रेशर को कम कर देता है और लो प्रेशर जो स्टीम सिस्टम है उसके बराबर कर देता है। और क्योंकि स्टीम का टेम्परेचर बॉयलर से जो आ रही है उसका ज़्यादा होता है तो उसके लिए एक डी सुपर हीटर भी लगा हुआ है जो फीड वाटर को स्प्रे करता है स्टीम लाइन में, ताकि स्टीम का टेम्परेचर जो है वो भी कम हो जाए, प्रोसेस में जितना टेम्परेचर चाहिए उतना ही रहे। प्रोसेस में से जाने के बाद जो है स्टीम वो कंडेंस हो जाती है पानी में। इस पानी को कंडेंसेट पंप से होते हुए डीरेटर में भेजा जाता है, वहाँ से फिर बॉयलर फीड पंप द्वारा कंडेंसेट जो है वापस बॉयलर में चला जाता है। इस डायग्राम में हमने लेट डाउन स्टेशन या प्रेशर रिड्यूसिंग स्टेशन का यूज बताया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हाई प्रेशर स्टीम है उसको रिड्यूस करके प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व या लेट डाउन स्टेशन कम करके एक लोअर प्रेशर पे ले जाता है, ताकि जो है ज़रूरत पड़ने पे बॉयलर से डायरेक्ट जो है लो प्रेशर स्टीम सप्लाई हो सके एक लेट डाउन स्टेशन द्वारा। हमने लेट डाउन स्टेशन या प्रेशर रिड्यूसिंग स्टेशन का और थोड़ा विस्तृत चित्रण किया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है, एक सेफ्टी वाल्व है और एक सेपरेटर है। सेपरेटर द्वारा स्टीम और कंडेंसेट को अलग कर दिया जाता है और यहाँ देखिए कंडेंसेट लिया जा सकता है, स्टीम जो है यहाँ से ली जा सकती है। अनुरोध ये उम्मीद की जाती है कि यह लेक्चर सेशन आपके लिए उपयोगी होगा। कृपया लाइक बटन को प्रेस करें, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस लेक्चर इज अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज आल्सो। बॉयलर से स्टीम जो है वो काफ़ी हाई प्रेशर पर ली जाती है
और यह प्रेशर इतना होता है कि इलेक्ट्रिकल जनरेटर को चलाने के लिए टरबाइन को सफिशिएंट प्रेशर मिल सके। टरबाइन को चलाने के लिए स्पेशली जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर को रोटेट कर रही है वो टरबाइन को चलाने के लिए काफ़ी हाई प्रेशर चाहिए होता है, प्रोसेस में कम प्रेशर चाहिए होता है। तो बॉयलर से जो स्टीम प्रेशर पैदा किया जाता है वो काफ़ी हाई होता है ताकि टरबाइन जनरेटर को चलाया जा सके। तो बॉयलर में जो स्टीम प्रेशर है उसको कम करना पड़ता है ताकि प्रोसेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से या छोटी टर्बाइन्स को चलाने के हिसाब से कम प्रेशर दिया जा सके। कई बार स्टीम से पंप भी चलते हैं, कंप्रेसर भी चलते हैं, तो इन पंप और कंप्रेसर को चलाने के लिए प्रेशर जो है लो प्रेशर चाहिए होता है। तो उस बॉयलर द्वारा पैदा किए हुए प्रेशर को कम करना पड़ता है। तो कैसे कम करना है अभी आगे चल के बताते हैं। प्रोसेस में जो स्टीम इस्तेमाल होती है वो अल्टीमेटली पानी में परिवर्तित हो जाती है, कंडेंस होके पानी बन जाती है। कंडेंसेट, जो कंडेंसेट है, जो स्टीम द्वारा परिवर्तित पानी है, उसको अल्टीमेटली एक कंडेंसेट रिटर्न सिस्टम बना हुआ है जिससे वो रीयूज के लिए बॉयलर फीड वाटर की तरह इस्तेमाल होता है। जो कंडेंसेट है वो कंडेंसेट रिटर्न सिस्टम द्वारा अल्टीमेटली बॉयलर में वापस जाता है ताकि वहाँ पे दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। कंडेंसेट को दोबारा इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसकी वजह से प्लांट का खर्चा काफ़ी बचता है, क्योंकि जो बॉयलर में पानी इस्तेमाल करके स्टीम बना है वो पहले ही केमिकल्स द्वारा ट्रीट किया जा चुका है। और अगर हम कंडेंसेट को दोबारा इस्तेमाल करते हैं तो इसमें काफ़ी पैसा बचता है। प्रोसेस फैसिलिटी में दो तीन लेवल के प्रेशर चाहिए होते हैं, तो हर प्रेशर लेवल पे एक स्टीम हेडर बना होता है और पाइपिंग द्वारा जहाँ जहाँ जितने लेवल का प्रेशर चाहिए उतना पहुँचाया जाता है। तो प्लांट में डिफरेंट प्रेशर हेडर, डिफरेंट स्टीम हेडर्स बने होते हैं। इन डिफरेंट प्रेशर के स्टीम हेडर्स को मेंटेन करने के लिए कई तरीके हैं जिनके बारे में हम बताने जा रहे हैं। पहला मेथड जो है वो है लेट डाउन वाल्व या रिड्यूसिंग स्टेशन। रिड्यूसिंग स्टेशन में प्रेशर कंट्रोल वाल्व इस्तेमाल होता है जिसके द्वारा हाई प्रेशर स्टीम को लो प्रेशर स्टीम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। प्रेशर लेट डाउन सिस्टम में आप देख सकते हैं कि एक कंट्रोल वाल्व है और इस कंट्रोल वाल्व द्वारा इतना प्रेशर ड्रॉप किया जाता है ताकि जो वाल्व से आउटपुट है वो जो आपका लो प्रेशर स्टीम हेडर है उसके प्रेशर के बराबर हो जाए।
और अगर प्रेशर को फर्दर ड्रॉप करना है तो एक और लेट डाउन वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है ताकि और भी कम प्रेशर पे स्टीम मिल सके। कम प्रेशर के स्टीम हेडर को मेंटेन करने का दूसरा तरीका ये है कि जो टरबाइन से निकला हुआ एग्जास्ट है उसको पाइपिंग द्वारा लो स्टीम हेडर में सप्लाई कर दिया जाए। उदाहरण के तौर पे इस चित्र में दिखाया है कि टरबाइन में जो इनपुट है वो है 1500 PSIG और टरबाइन का जो एग्जास्ट है वो है 550 PSIG। तो जो टरबाइन का एग्जास्ट है वो 550 PSIG के स्टीम हेडर को सप्लाई होता है। इस तरह से 550 PSIG का स्टीम हेडर का प्रेशर मेंटेन किया जाता है। अगर प्रेशर को फर्दर और अधिक ड्रॉप करना है तो एक 550 PSIG वाली टरबाइन ली जाती है और इस टरबाइन द्वारा जो एग्जास्ट है वो है 50 PSIG का। तो ये 550 PSIG वाली टरबाइन जो है 50 PSIG वाले स्टीम हेडर को अपने एग्जास्ट द्वारा मेंटेन करती है। कई बार हमको ऐसा प्रेशर चाहिए होता है जो स्टीम टरबाइन्स को सूट नहीं करता है, तो ऐसे केस में हमें रिड्यूसिंग स्टेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि ऐसा स्टीम हेडर मेंटेन किया जा सके जो टरबाइन्स के लिए सूटेबल नहीं है। को जनरेशन प्लांट, कई प्रोसेस प्लांट, उनमें शुगर मिल भी शामिल है, में प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए को जनरेशन प्लांट लगाया जाता है। और इस को जनरेशन प्लांट की खूबी ये है कि यह इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा करता है और प्रोसेस के लिए स्टीम भी पैदा करता है। बॉयलर में स्टीम जो है वो काफ़ी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे पैदा की जाती है। इस हाई प्रेशर और टेम्परेचर वाली स्टीम से स्टीम टरबाइन चलाई जाती है जो कि इलेक्ट्रिकल जनरेटर को घुमाती है। टरबाइन का जो एग्जास्ट है वो लो प्रेशर स्टीम हेडर को सप्लाई किया जाता है। इस तरह से एक को जनरेशन प्लांट जो है वो प्रोसेस फैसिलिटी को, प्रोसेस प्लांट को इलेक्ट्रिसिटी भी सप्लाई करता है और स्टीम भी सप्लाई करता है। अनुरोध, ये उम्मीद की जाती है यह लेक्चर सेशन आपके लिए उपयोगी साबित हुआ। कृपया लाइक बटन को प्रेस करें, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस लेक्चर इज अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज आल्सो। यह लेक्चर मेरे स्वर्गीय माता पिता को उनकी याद में समर्पित है।